गेस्ट बार बोल रही थी वो। चलो भाई स्टार्ट ही कर देते हैं। सर बताओ फिर कब आए आम खाने हम? मैं बता रहा हूँ तू ऑनलाइन खा ले। अभी तो बात करने 5 किलोमीटर के रे में नहीं आया ना, ऑनलाइन ही खा, तू ऑफलाइन पहुंच जाएगी, मुझे पता मना करने के बाद ही पहुंच जाएगी। सर आप मना कर रहे हो, मुझे सबसे बेस्ट तो मुझे ये मिला सर, मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता है। नाम कौन सा? लंगड़ा तोता। हाँ ये वाल देखो, इधर से तोते खाया हुआ है और एक ये खिला दूंगा तेरे को। नहीं सर मुझे, मेरे को अच्छे नहीं लगते, मेरे पिंपल निकल आते हैं। ना मतलब ऑनलाइन ही खा ले, घर की तरफ आऊंगी मैं, मुंह बिना गोते खा लेना। मुझे अभी कि मुझे दरवाजे पे लॉक लगवाना पड़ेगा, कभी तू है ना ब्रेक में भाग आई, ब्रेक तो सर आई थी, मैं आई थी एक दिन सुबह सुबह, ताला लग रहा था। हाँ और मैं वैसे भी है ना 8:30 सो जाता हूँ, 8:15 समझ। नहीं नहीं रात को नहीं सर, सुबह सुबह आई थी। हाँ क्लास खत्म होती है ना सो जाऊँ मैं, सर मैं नहीं आऊँगी। 8:10 पे तो क्लास खत्म होते, 8:15 आप सो भी जाते, चाहे 8:00 खत्म हो जाए मैं उस तुरंत सो जाऊंगा। नहीं नहीं मैं आऊंगी सर आज, मेरा वेट करना ठीक है। अरे मैं सोया हुआ मिलूंगा, सुबह मिलियो, सुबह जियो, कोई बात नहीं, मैडम से मिलकर चली जाऊंगी। मैडम मैडम तो पहले सो जाती है। सर आपको इतनी मेरी दिख रही हूँ क्या मैं? मैं आऊंगी, कुछ नहीं पता तेरा। मच्छर आ रहे हैं, दरवाजा धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। पता है ये जब क्लास में पढ़ने आती थी क्या क्या पहन के जाती थी, कभी लवर कभी पता नहीं क्या क्या। एक दिन तो उसमें आई कैफरी, कैफरी में चली आ रही सर, आपका ध्यान भटकाती थी सर। कैफरी कब पहनी है मैंने, वो भी सेंटर पता नहीं। एक दिन आ रही मैडम मोदी का रोज ऊपर कैफरी कैफरी में आ रही है। नहीं सर मैंने कैफरी में पहनती नहीं, कमाल कर रहे हो। दक्के से बना रहे हो, 10-20 लड़के उसको वहां तक छोड़ने आए सेंटर तक। यार हद है, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक। हाँ समझ गए सर, मजाक कर सकते हो मामले में बजा दी। ना 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 सर आम मैं खाती नहीं, मेरी मम्मी कितने इतने किलो लाती है, मैं तो वो नहीं खाती। सही है, शुगर हो जाएगी। शुगर नहीं सर, वो गर्म होते हैं ना, मुंह पे पिंपल निकल जाते हैं। सही है, पता क्या है, निकल आएंगे, शुगर हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाएगी। कोई मैं तो आपकी तो मैरिज होनी है, कोई ओटेगा भी गड़बड़ हो जाएगी। आम से सख्त नफरत सर, सीधा ओटेगा भी नहीं सर। सर बोल बोल बोल, मुंह बंद कर दिया सर आपने इसका। बोल 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 ना, मैंने कोई मुंह बंद नहीं करा, उसकी नेटवर्किंग डाउन हो गई होगी। आज सर आप बहुत खुश हैं। मैं तो हर रोज खुश रहता हूँ। आम मिले है ना सर को, आम। चलो चढ़ू चढ़ू नहीं चलू चलू आगे। शुरू कीजिए सर। तो क्या बंदर आज पेड़ पे चढ़े हुए थे आम तोड़ने के लिए ना सर, इसलिए याद है आपको। हाँ हाँ मुझे चढ़ाई याद आती है। चलो लास्ट एक्सरसाइज करते हैं हम। आज हम चैप्टर 5th का दी एंड करने वाले हैं। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए और फिर ट्रू फॉल्स पे जुट जाइए, फिर SCQ MCQ पे जुट जाइए। रोजी अगर बुरा लगा हो एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं था। मजाक मजाक अपनी जगह पर पता चलता। ओके ओके ठीक है, मजाक अपनी जगह बट आप कहीं पर सीरियस होके बोलते ना तब मुझे गुस्सा आता है। कब सीरियस होके बोलता हूँ? अरे जब भी बोला, छोड़ो सर अब बेफालतू में वो जगह। ठीक है ठीक है, भड़क गई। बेसिस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस एंड एंड सबस्पेसेस ऑफ ए फाइनाइट वेक्टर स्पेस। मतलब
मतलब फाइनाइट वेक्टर स्पेसिस से आपका क्या मतलब है? जैसा नाम बता रहा है फाइनाइट वेक्टर स्पेसिस, इट मींस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस। हमें एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखा है, हमें क्या बताने हैं उसके सब स्पेस बताने हैं कितने बनेंगे, और जो सब स्पेस बनेगा उसके बेसिस क्या होंगे ये बताने हैं। कई बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक तो क्या बताने हैं नंबर ऑफ सब स्पेसिस कितने बनेंगे, ठीक है, और एक उसके बेसिस क्या बनाएंगे। ये दो क्वेश्चन है, तो दो ही रिजल्ट है, बहुत ही आसान और बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। जैसे जैसे ये था सर बैक, किसकी बैक? आज पहले बहुत टाइम बाद पूछा, वैसे तो आज बैक ही करवानी है। हो गया सर, देखो इसमें क्या है, रिजल्ट नंबर वन, रिजल्ट नंबर वन क्या है? रिजल्ट नंबर वन, लेट V के पैर में N है, जेड P, जेड के पैर में P है, बी ए फाइनाइट डायमेंशनल मतलब फाइनाइट डायमेंशनल बोलो, फाइनाइट वेक्टर स्पेस बोलो, बी ए फाइनाइट वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन इक्वल टू एन ओवर द फील्ड जेड पी वेयर पी इज एनी प्राइम नंबर, where p is any prime number, then the total number of distinct bases, distinct bases मतलब अलग अलग base कितने बनेंगे। जब हम इनफाइनाइट डायमेंशन की बात करते थे कितने बेसिस बनते हैं, इनफाइनाइटली मैन नहीं बनते थे, जैसे आर स्क्वायर के कितने बेसिस हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैन नहीं हो सकते हैं। जो स्टैंडर्ड बेसिस कौन है 1001, टोटल कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैन नहीं, ठीक है। तो हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस इज, फॉर्मूला याद करो, पी के ऊपर एन पावर चढ़ा दो, जो ये है, एक एक पावर कम करते रहो पी एन माइनस वन, कहां तक लेके जाओ इसको, जीरो तक, फिर पी एन में से पी एन माइनस टू करो, करते गए लास्ट में पी एन में से क्या घटेगा, पी की जीरो डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, ठीक है। और पी की जीरो को आप क्या कह सकते हो, वन, मतलब इसको क्या लिख सकते हो दूसरे वे में, पी की एन माइनस पी की एन माइनस वन, पी की एन माइनस टू, करते गए पी की एन माइनस वन अपॉन में एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो इतने बेसिस बनेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अलग अलग, इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस के कितने बेसिस बनते थे, इनफाइनाइटली मैनी, जैसे आपने आर स्क्वायर और आर देखा था, कैसा वेक्टर स्पेस है ये, इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस है, तो इसके नंबर ऑफ बेसिस कितने बने थे, इनफाइनाइटली मैनी। स्टैंडर्ड बेसिस क्या था, 1001,
लेकिन फाइनाइट वेक्टर स्पेस के बेसिस हमेशा जो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, टोटल नंबर बनेंगे वो इतने बनेंगे, ये फॉर्मूला है। तो p की पावर n करो, फिर एक एक कम करते जाओ, p की n माइनस वन, फिर p की n में से p की n माइनस टू माइनस करो, ऐसे करते हुए सो ऑन, p की जीरो तक ले जाओ बाय में n फैक्टोरियल। ठीक है, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि इसको कहने का मतलब ये है। चलते हैं अब, फॉर्मूला सबने नोट कर लिया, ठीक है, जिसने नहीं नोट किया स्क्रीन शॉट ले सकता है, ले लो, फिर मैं क्वेश्चन पे लौटता हूं। क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन है, जेड टू क्यूब ओवर जेड टू, ठीक है, दो बातें पहचाननी है। सबसे पहले आपने n और p, n और p पहचाननी है, ठीक है, कितना है भाई n, पहचानो n कितना है, बता सकते हो n कितना है, कोई बताएगा कितना है n, बताया कोई, टू है, कितना है, थ्री है, यस सर, तो क्यों है थ्री, जब सर हम आर एन लिखते हैं तो एन लिखते हैं तो एन होता है सर, हाँ ऐसे ही जेड क्यूब लिखेंगे, हाँ डायमेंशन सर थ्री है ना इसकी, देखो पहली बात है जेड टू क्यूब लिखेंगे, जेड टू क्यूब कैसे लिखा जाएगा, इसमें जीरो 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 ए बी सी टाइप के एलिमेंट आएंगे, और ए बी सी कहाँ से आएगी, जेड टू से जीरो और वन एलिमेंट की एंट्री होगी, हाँ। बस कितने एलिमेंट है इसके अंदर, दो, कितने एलिमेंट है इसके अंदर टोटल, एट एलिमेंट है, क्योंकि इसके लिए दो चॉइस, इसके लिए दो चॉइस, इसके लिए दो चॉइस, एट है, यस सर, ठीक है, टू की पावर, हाँ टू की पावर थ्री, तो कैसे बनाओगे एट एलिमेंट, जीरो 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 सारे जीरो, हेलो सर, हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फील्ड जो फाइनाइट फील्ड दिया है उससे स्केलर आ रहे हैं, इसीलिए फाइनाइट वेक्टर स्पेस बोलते हैं, फाइनाइट वेक्टर स्पेस का मतलब है जिस वेक्टर स्पेस में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट हो, इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस का मतलब है जिस वेक्टर स्पेस में इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर हो। अब जैसे आर स्क्वेयर क्या था, इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस था, डायमेंशन फाइनाइट होने से हम कुछ, डायमेंशन तो फाइनाइट हो सकते हैं, ओके सर, अब जेड टू क्यूब कैसा है, फाइनाइट वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट इनफाइनाइट कौन डिसाइड करता है, वेक्टर स्पेस अलग बात है, फाइनाइट इनफाइनाइट डिसाइड करता है उसमें कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है उसमें, कितने एलिमेंट है इसमें आर स्क्वायर में, इनफाइनाइटली मैनी, और जेड टू क्यूब में फाइनाइटली मैनी, जबकि डायमेंशन दोनों के फाइनाइट है, डायमेंशन आर स्क्वायर के कितने हैं, जस्ट टू है, आर स्क्वायर और आर पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है टू है, डायमेंशन क्या है इसके, फाइनाइट है, जबकि वेक्टर स्पेस ही कैसा है ये, इनफाइनाइट है, यानी कि डायमेंशन है वेक्टर स्पेस को डिफाइन नहीं करता कि फाइनाइट है इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड करते हैं, समझे अमरजीत नान, यस सर क्लियर हो गया अब, हाँ जी, अब इसके आठ एलिमेंट लिखने हो सारे जीरो, एक वन, उस वन को घुमा दो, बीच में ले आओ, शुरू में ले आओ, उसके बाद दो वन, वन वन जीरो, फिर जीरो को घुमा दो, वन जीरो वन, जीरो को शुरू में ले आओ,
ठीक है, फिर सारे वन, सारे वन कितने एलिमेंट बने, एट, क्या कोई बचेगा अभी? नो सर। और तरीका क्या हो सकता है, और तरीका क्या हो सकता है बताओ, अगर मान लो जल्दी बनाना चाहते हो। देखो तीन पोजीशन है, आप क्या लिखो, आठ एलिमेंट है, चार जीरो लिख लो, चार वन लिख लो, एक दो तीन चार, चार आंखें, चार डंडे, ठीक है, फिर दो जीरो लिखो, दो वन, दो जीरो, दो वन, फिर जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, समझ गए? नहीं समझे? अगर सोचो जे टू की फोर होते फिर कैसे लिखते? थोड़ा एलिमेंट लिखने होते जे टू की फोर होते कैसे लिखते? आठ जीरो लिखते। गुड, सोलह एलिमेंट है, मैं पैटर्न बनाता हूँ, बता रहा हूँ, आठ जीरो लिखो, दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ इक्के लिखो, दो और ये सारे जो आठ के आठ एलिमेंट, फिर क्या लिखने थी, दो जीरो के आगे चार जीरो चार इक्के, पहले आठ जीरो आठ इक्के, फिर चार जीरो चार इक्के, फिर दो जीरो दो इक्के, फिर एक जीरो एक इक्का, आपको कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, सबसे आसान पैटर्न होता है ये। नहीं समझे? समझ गए सर, समझ गए। ठीक है, तो आपका कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, इससे एलिमेंट लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो जब आपके पास थे आठ एलिमेंट थे तो आपने पैटर्न क्या बनाया था, आधे कर दिए, चार जीरो चार इक्के, फिर दो जीरो दो इक्के, फिर एक जीरो फिर एक इक्के। अगर बत्तीसों एलिमेंट टू की फाइव हो तो सोलह जीरो सोलह जीरो, ये पैटर्न याद रखो हमेशा, समझ गए? इससे कोई आपका एलिमेंट नहीं छूटेगा, इस पैटर्न से सारे कवर हो जाएंगे। चलूं आगे? यस समझ आ गया ना? ओके, एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। देखो जितने भी आपके पास एलिमेंट हो ना, जैसे आपके पास 16 बने 32 बने, तो उसके हाफ हाफ कर दो, उतने एलिमेंट ले लो, ये पैटर्न बनाओ। जैसे मान लो मैं जेड टू स्क्वेयर लिखना चाहता हूँ, जेड टू स्क्वेयर के एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट आएंगे, चार आएंगे, दो जीरो दो जीरो दो वन जीरो दो इक्के, फिर जीरो वन ये बन जाएंगे। यस ठीक है सर, कहने का मतलब ये है पहली पोजीशन पे तो हम हाफ हाफ करते, हाँ, फिर उसको डिवाइड बाय टू करके सेकंड पोजीशन पे ऐसे लिखते, हाँ, जाएंगे, हाँ, सीरियल वाइज, फिर उसके बाद दोबारा डिवाइड बाय टू करके, हाँ, फिर सीरियल वाइज, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो करने के बाद है ना, हमें टेंशन नहीं रहती कि कोई छूट ना जाए, कोई नहीं छूटेगा। तो इसके अंदर कितने हैं, 16 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 16 है, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा और जेड टू, पढ़ चुके हैं हम, जीरो इसके पास है, अंडर एडिशन है, कोई दो एलिमेंट उठाओ उनका सम इसी में आएगा पक्का, बताओ जहां आपको डाउट लग रहा हो, वेक्टर स्पेस तो है, स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा इसी में ही आएगा, तो इसलिए क्या है, ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस है। तो मैं दो चीजें जांचूंगा, मैं दो चीजें जांचूंगा कि इसके तो डायमेंशन कितने हैं, ठीक है, तो कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ये, कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ये, थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। क्यों है थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, क्यों है बताइयो, थ्री कोऑर्डिनेट है सर इसमें, ए बी सी, मान लो टू डायमेंशनल है क्या ये, पहले तो मैं टू डायमेंशनल चेक कर बताता हूँ क्या टू डायमेंशनल है। देखो मैं एक सेट बनाता हूँ एस वन, क्या क्या इसको सिंगल वेक्टर जनरेट कर लेगा, क्या कर देगा, नहीं करेगा सर, नहीं कर पाएगा, ठीक है, हालांकि एल आई एस वन
एस वन की खास बात क्या है, एल आई है बट नॉट जनरेटिंग सेट फॉर जेड टू क्यू, उसको पैदा नहीं कर सकता। कौन सा एलिमेंट देंगे आप मुझे, आप मुझे देंगे 100, ये पैदा करके दिखाओ इससे, और स्केलर से मल्टीप्लाई करना है मैंने, क्या कर पाऊंगा? स्केलर कहां से लेने हैं मुझे, जीरो वन है, जेड टू से, जीरो वन से लेने हैं। क्या कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करके मैं ये एलिमेंट ले आ सकता हूँ, लेके आ सकता हूँ? नो सर, नेवर, कभी भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये जनरेटिंग सेट नहीं है, नहीं है, तो इसलिए क्या है बेसिस भी नहीं है। अब देखना, अगर मैं 100 ले दूं और 010 ले दूं, क्या ये एल आई है? Yes, क्या एल आई है? Yes, sir. देखो एल आई तो है, ये क्या जनरेटिंग सेट है? नहीं है सर, नो सर, जनरेटिंग नहीं है, 001 नहीं मिलेगा। हाँ, 001 नहीं पैदा कर सकते आप कुछ मर्जी ले लो यहाँ पर, आप इस एलिमेंट को पैदा नहीं कर सकते। क्या कर देंगे बोलो, क्या कर देंगे? नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एल आई तो है ये, नॉट जनरेटिंग, बट नॉट जनरेटिंग सेट फॉर जेड टू क्यू। अब मैं नया सेट लेता हूं एस थ्री, एस थ्री लिया मैंने, 100 010 001। ठीक है, क्या एल आई है ये? यस सर। जनरेटिंग सेट है ये? यस सर, यस सर। करिए उसको पैदा, सबसे पहले वन रखो, फिर जीरो, फिर वन से मल्टीप्लाई करो इसको, जीरो से बीच वाले को, जीरो से बीच वाले को, जीरो से। क्या हर एक को पैदा कर सकते हो? यस सर, यस। तो ये एल आई भी है, जनरेटिंग भी है। ठीक है, अगर इससे एक फालतू ले दिया एल डी हो जाएगा। yes, अगर मैंने एक टपल और ले लिया इसके अंदर, एल डी हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम एल आई सेट क्या है? यही है, और यही मिनिमल जनरेटिंग है। तो इसलिए क्या है ये बेसिस है, क्या है ये बेसिस है। डायमेंशन कितने हो गए इसके? थ्री। समझ में आई बात? तो ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, हालांकि आर क्यूब भी थ्री डायमेंशनल था, आर क्यूब भी थ्री डायमेंशनल था, और ये भी थ्री डायमेंशनल है। वो इनफाइनाइट था, ये फाइनाइट है। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला, डायमेंशन है जेड टू क्यूब के ओवर जेड टू थ्री है, मतलब आपको एन मिल गया तीन, एन तीन मिल गया। एन किसको डिनोट करता था? डायमेंशंस को। पी, पी कितना है? पी टू, टू है। देखो हमें एन भी मिल गया और पी भी मिल गया, दोनों मिल गए हैं, और एक बेसिस मिल गया। और हमने पढ़ा है बेसिस यूनिक नहीं होते, इसका मतलब बेसिस और भी कोई होगा, पक्का होगा। ठीक है, अब हम ऐसे ऐसे बेसिस की संख्या निकालना चाहते हैं, कितनी बढ़ सकती है इसके बेसिस की संख्या। तो फॉर्मूले पे जाएंगे। यस सर। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस ऑफ
Z2 cube over Z2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो, P की पावर कितनी थी n माइनस, P की पावर n माइनस वन, फिर P की पावर n, P की पावर एक और कम, फिर P की पावर n, P की पावर एक और कम, जीरो पे आके स्टॉप, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 1 गए 7, 3 फैक्टोरियल 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, कितने बने 28। तो इसके 28 डिस्टिंक्ट बेसिस बनेंगे, 28, हमने तो एक निकाला है। ठीक है, क्या एक और बता सकते हो आप कौन सा होगा? मुझे दूसरा चाहिए एक और बस। क्या बता सकते हो वन मोर बेसिस इसका? लास्ट वाला वेक्टर है ना सर, वहाँ लास्ट में वन वन कर, हाँ बिल्कुल वन वन कर दीजिए तो हो जाएगा। मैं ये कह दूं सेट 100 010 011, यही बेसिस बन जाएगा। तो इस तरह के कितने बनेंगे? 28। ठीक है, तो हमने सारे दिखाने जरूरी नहीं है कि कौन कौन से बनेंगे, तो बनेंगे सरतिया 28, ना कम बनेंगे ना ज्यादा बनेंगे, ना 27 बनेंगे ना 29 बनेंगे, तो 28 बनेंगे जब आप बनाने बैठोगे। बनाने का तरीका वही है, LI चेक करो और जनरेटिंग चेक करो, तीन तीन लेके। तो कितने तरीके से ले सकते हो आप तीन एलिमेंट बताओ? तीन एलिमेंट सेलेक्ट करने कितने वे हैं, कोई बताएगा? टोटल नंबर ऑफ वे कितने हैं तीन एलिमेंट सेलेक्ट करने के? 8 × 7 × 6। बताओ सर, 8 × 7 × 6 नहीं होगा सर, पहले के लिए 8 चॉइस, देखो सेकंड के लिए 7 हो जाएगी, थर्ड के लिए 6। सर बेसिस 28 है, 28 ही तो होगा। देखो टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग थ्री एलिमेंट्स ऑफ Z2 cube फ्रॉम, कितने एलिमेंट है कुल? 8 एलिमेंट्स। क्या कंसेप्ट लगेगा, परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा? 8C3 फिर टोटल 8 एलिमेंट। देखो 1 2 3 गिन लो, 8 है, 8 में से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो 8C3 मतलब 8 7 6 3 2 1 कितने आए? 56 वे हैं, 56 वे हैं सेलेक्ट करने के तीन एलिमेंट, समझे? यस सर। लेकिन उसमें कुछ नकली भी तो आएंगे, नकली कैसे आएंगे? मान लो किसी ने 100 सेलेक्ट कर लिया, 010 सेलेक्ट कर लिया, 110, ये नकली नहीं है, ये बेसिस कहाँ है? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? तीसरा है। समझ आई बात? बोलो भाई। 56 तरीके से आप ऐसी तीन एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो इसके, और बेसिस में मुझे तीन एलिमेंट चाहिए, तो 56 वे है, तो बेसिस के लिए 28 वे आएंगे, आधे आएंगे, आधे नकली आएंगे, तो आधी ट्राई आपकी फेल होएगी। नहीं आ रही बात समझ में? वो भी डिस्टिंक्ट है ना? क्या 28 एलिमेंट्स जो आए हैं डिस्टिंक्ट आएंगे? 56 एलिमेंट डिस्टिंक्ट आएंगे, तो वो सेट तो नहीं है फिर? जो 56 सेट बनेंगे वो डिस्टिंक्ट बनेंगे सारे, तो वो Z2 cube में तो नहीं है ना? क्या Z2 cube में तो नहीं है ना वो एलिमेंट्स? हैं, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। बताओ कौन सा है? बाहर से एक भी बाहर से नहीं मिलेगा सर, समझ नहीं आया मेरे को आप क्या कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ
कि तीन तीन के लेके कितने सबसेट बनेंगे इसके? अच्छा ओके, इसके तीन तीन के लेके 56 बनेंगे। लेकिन उनमें से बेसिस कितने बनेंगे? 56 में से 28 बनेंगे। समझाई बात ये? नहीं आई क्या? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वे बनेंगे 56, उनमें से 28 असली है, 28 नकली है। तो जो 28 नकली है उनको हम बाहर का रास्ता कर देंगे, जैसे ये है, इसी का सबसेट है ये, लेकिन ये असली है। ऐसे ऐसे असली 28 बनाने, फॉर्मूले ने मुझे बताया कि 28 बनेंगे और फॉर्मूले ने मुझे बताया 56 बनेंगे। ये फार्मूला है प्लस वन का, परमोटेशन कॉम्बिनेशन का। नीचे वाला फार्मूला है अब करवाया जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस का। ठीक है, तो एक साथ है ना, देखो कितनी चीजें यूज हो रही हैं, फाइनाइट डायमेंशनल, प्लस टू के फार्मूले, प्लस वन के फार्मूले। ठीक है, और 56 लिखना आसान नहीं है, 56 वाली मैं लिखूं, अगर मैं छोटा ले लेता मैं लिख भी लेता सारे। देखो मैं छोटा लिखता हूं, वही मैं लिख के दिखा दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दे दूं। जेड टू स्क्वेयर ओवर जेड टू, इसमें क्या आएंगे? ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट ए और बी किस में से आएंगे? जेड टू में से। तो टोटल 8 एलिमेंट है इसमें, 00 है, 01 है, 10 है, 11 है। एक मिनट कोई मिलने आया शायद बार, मैं मैडम को बोलता हूं, मैडम पी तो इसमें ना हमारे पास है 8 एलिमेंट बनेंगे, सॉरी 4 एलिमेंट बनेंगे ये। ठीक है, अब हमें क्या बनाने हैं? इसके डायमेंशन कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, पहले ही पता है 2 बनेंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting two elements of Z2 square from four elements is equal to, which चार में से दो select करने हैं। जब भी आप selection लेते हो, choose लेते हो, drone भी word use कर सकते थे, two element और drone, खींचने हैं हमने दो एलिमेंट, या चूज करने हैं दो एलिमेंट, सिलेक्ट करने हैं दो एलिमेंट, तो कॉम्बिनेशन लगता है 4C2। मतलब तरीका यह होता है शॉर्टकट 4C2 खोलने का, नीचे 2 है, 1 तक ले जाओ, 2-1, ऊपर उतनी रकम लिखो, जैसे 4 1 कम करके 3, तो 12/2 6 आ जाएगा।
तो सिक्स एलिमेंट आएंगे, मतलब दो दो के जोड़े छह आएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेसिस कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस ऑफ जेड टू स्क्वेयर ओवर जेड टू इज इक्वल टू एन है दो, पी है दो, तो टू की टू माइनस टू की वन, फिर टू की टू माइनस टू की जीरो बाय एन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल। तो चार में से दो गया दो, चार में से एक गया तीन, बटे दो तीन आएंगे, तो डिस्टिंक्ट बेसिस आएंगे तीन। कुल एलिमेंट है छह, दो दो के सिलेक्ट करने वाले। कौन कौन से सेट बनाता हूं मैं, छह सेट बनाता हूं, जीरो जीरो के साथ अगला ले लो जीरो वन, एक बन गया, दूसरा बनाता हूं जीरो जीरो के साथ वन जीरो ले लो, दूसरा बन गया, मतलब आगे बढ़ते रहो ऐसे, फिर जीरो जीरो के साथ वन वन ले लो, फिर एस फोर, जीरो का काम तमाम, आगे बढ़ो पीछे ना जाओ, जीरो वन वन जीरो, फिर एस फाइव, जीरो वन और वन वन, फिर लास्ट एस सिक्स, एस फाइव का ये इसका काम भी आगे बढ़ो, वन जीरो के साथ कौन वन वन। तो ऐसा काम करने के बाद आपके पास है ना कोई भी पेयर नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपके पास ये छह के छह बन जाएंगे, ठीक है। तो ये छह बन गए, अब इन छह में से बेसिस देखने हैं। क्या पहला बेसिस है बताओ? नो सर। हाँ नो सर। दूसरा बेसिस है? नो सर। नो सर। क्यों, क्यों नहीं है? जीरो एलिमेंट है सर इसमें। जीरो एलिमेंट है, एलडी है, जनरेटिंग भी नहीं है, ठीक है। और एस फोर है बेसिस? यस सर। क्यों है? एल आई है और जनरेटिंग भी है। एस फाइव है बेसिस बताओ? यस सर। हाँ क्योंकि एल आई भी है, जनरेटिंग भी है। एस सिक्स भी है? यस सर। है, ठीक है, क्योंकि यहाँ छोटा था, विजुलाइज हो गया। सिमिलरली जेड टू क्यूब था और जेड टू था, कितने बनते टोटल? छप्पन, 56। उनमें से बेसिस कितने बनते? 28। देखते हैं, देखते हैं, तरीका समझ में आया? यस सर। एसिक्स एलडी नहीं होगा क्या? एसिक्स एलडी कैसे हुआ बता? एलडी कब होगा? जब स्केलर मल्टीपल हो। दो वेक्टर एलडी कब होते हैं? जो स्केलर मल्टीपल हो। क्या स्केलर मल्टीपल है? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो यहाँ पे हम एक वैल्यू माइनस वन भी ले सकते हैं ना, और एक प्लस वन। कैसे कैसे? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना सर इसको। हाँ स्केलर जीरो वन ही लेना है। अल्फा वन जीरो है प्लस बीटा वन वन है, तो मुझे जीरो जीरो बनाना है। क्या नॉन जीरो नंबर पर के जीरो बना सकता हूँ मैं? ये बात है। अल्फा बीटा कहाँ से आएंगे? जेड टू से। माइनस तो भरना अलाउड ही नहीं आपको, या तो जीरो भरोगे या वन। क्या वन भर के, वन और यहाँ जीरो भर के बना सकते हो? नो। अल्फा को वन, बीटा को जीरो लेके नो। अल्फा जीरो बीटा वन लेके नो। एक ही पॉसिबिलिटी, अल्फा बीटा दोनों जीरो जीरो, ठीक है। या डिटर्मिनेंट मेथड लगा दो, इसकी मैट्रिक्स बना लो, कॉलम मैट्रिक्स बनाओ, वन जीरो वन वन। कितना डिटर्मिनेंट है इसका? वन। नॉन जीरो आ गया ना, तो इसलिए क्या है ये एल आई है। एक्लन फॉर्म भी लगा सकते हो आप। समझ में आया सर? मुझे कंफ्यूजन हो रही है एल आई और जनरेटिंग सेट में बहुत ज्यादा। एल आई चेक करने का तो है ना सीधा तरीका होता है, मैट्रिक्स बना लो, उसकी मैट्रिक्स बना के उसका रैंक देख लो।
अगर रैंक आता है नंबर ऑफ वेक्टर के बराबर तो एल आई है, अगर रैंक आता है उनसे कम तो एल डी है। तो यहां मैंने क्या की, इसकी मैट्रिक्स बना ली 1 0 0 1 1। तो इसका मैंने रैंक देखा, रैंक कितना है इसका, 2 है, तो कितने एल आई वैक्टर है, 2 है, सीधा है। और 2 वैक्टर तो आपको एल आई देखने, सीधी सी बात है कि मल्टीपल नहीं हो। क्या आप 1 0 से स्केलर मल्टीप्लाई करके 1 1 बना सकते हो, स्केलर ये मल्टीप्लाई करने हैं इनमें से 0 और 1 में से, नो नेवर। तो इसलिए क्या है ये एल आई है। कई तरीके हैं एल आई एल डी चेक करने के, फिर भी समझ ना आए ना आप उसमें डिस्कस कर लेना किसी से, फ्रेंड से आ जाएगा। हाँ ठीक, क्या अभी समझ गए सभी? यस सर। ओके ये समझ गए तो एक करो, आप लिखो पहले M 2 3 Z 2, ठीक है, ये लिखो, इसको लिखो क्या आएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस कितने आएंगे, लिखो फटाफट। ओवर जेड टू भी आएगा ना सर? हाँ ओवर जेड टू, ओवर जेड टू, क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये चेक करना है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फिर इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब तो इसके डायमेंशन कितने होंगे, एन पहचानना है, पी पहचानना है, वो सब काम करना है आपने, करिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, करो।
हेलो। हाँ जी, निकला निकला। हाँ, यस सर, ये बेसिस आई है सर हमारी। बेसी तो इतने बनेंगे, ठीक है। अब इतने बेसी बनाना संभव नहीं है। और एलिमेंट कितने बनेंगे? सिक्स बनेंगे। नहीं सर, सिक्स नहीं बने, 64। 64 हाँ, 64 बनेंगे सर। एलिमेंट बनेंगे 64। देखो, एलिमेंट बनेंगे टू की पावर 2 × 3, मतलब 2 की पावर 6, 64 बनेंगे एलिमेंट, क्योंकि 2 बाय 3 की मैट्रिसेस आएंगी। ए ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23। ए आई जे कहां से आएगा? Z2 से। सर ये पी की पावर एम में होते हैं ना एलिमेंट। हाँ, सीधे देख लो, इसको बढ़ने के 2 तरीके, इसको बढ़ने के 2, इसको बढ़ने के 2, इसको 2, इसको 2, इसको 2। 2 की पावर कितनी चढ़ गई? 6 रेमेन। अब आपने डायमेंशन कितने होंगे इसके, बता सकते हो? डायमेंशन डायमेंशन सिक्स हो कितने होंगे जाएगी इसके? सर, सिक्स हो जाएगी हाँ, सर। इसके डायमेंशन होंगे 6। ये भी है 6 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ये, ठीक है। एन कितना हो गया? 6 हो गया। तो एन 6 हो गया, और पी कितना हो गया? 2 है। सर इसको सॉल्व करें क्या हम? 64 ये बेसिस आ जाए। सिक्स आया इसको, इतनी बड़ी को नंबर क्या? ऑफ वेज ऑफ हाँ, सिलेक्टिंग सिक्स एलिमेंट नंबर ऑफ 64 सी वे आई। सिलेक्टिंग 6 एलिमेंट कितने आ जाएंगे? 64 C6। हाँ, 64 C6 है। यस सर। कैलकुलेट करना, क्या इसका डबल आ रहा है वो? हेलो सर, हाँ जी, करते हैं हेलो। सर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ वो है सारी आपकी। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है सर। आ रहा है, तुम्हारा नेटवर्क ढीला है, नेटवर्क लो है, ठीक कर लो इसको, कहीं दूसरी जगह बैठ जाओ या दूसरी सिम से चला लो। तो कैलकुलेट करना, 64 कितना आ रहा है? इसका डबल आ रहा है क्या? दो कर ले आप सौ सर। चौसठ 63 62 6 टर्म में लिखो, 61 60 कितनी टर्म में होगी? 5 होगी ना, 2 4 1 5, फिर 59, फिर क्या करो? 6 5 4 3 2 1 तक ले जाओ। अब इसको सॉल्व करो, कट करो, और देखो कितने एलिमेंट हैं टोटल। ये भी बहुत बड़ा सा नंबर आ रहा है सर। 7 4 9 7 4 3 6 8 मेरा भी यही है। डबल तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो कोई रिलेशन नहीं होता कि आप होंगे बेसिस। यस सर। चलूँ आगे? यही आया होगा सर सबका। 7 4 9 7 मेरा भी यही आया मैम। कितना सर आया? एक सेवन मिनट फोर नाइन सेवन 4 3 6 8 फोर थ्री सिक्स एट हाँ जी हाँ, देखो संबंध सर। क्या डबल कोई संबंध नहीं है सर। सर डबल नहीं है, तो इसलिए क्या डायमेंशन इसकी 6 आई है। डायमेंशन इसकी 6 आई है। और क्या? 64 क्या है फिर, मतलब 2 की पावर 6 64 क्या है एलिमेंट फिर? आएंगे ना इसमें, 2 की 6, कुल 64 एलिमेंट है, उनमें से बेसिस में कितने टोटल एलिमेंट होंगे? 6। नंबर ऑफ मैट्रिसेस हाँ, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी आएंगी? 64 मैट्रिसेस आएंगी।
उन 64 में से 6-6 के सेट क्या होंगे, LI होंगे और जनरेटिंग होंगे। ये जो बहुत बड़ा सा नंबर है, ये इसके डिस्टेंस बेसिस आएंगे। हाँ, इतने डिस्टेंस बेसिस आएंगे इसके, फाइनाइट है फिर भी। और नंबर ऑफ वे सिलेक्टिंग वाले वो ऊपर वाले आएंगे, 7-4 वाले। हाँ, तो अगर इतने डिस्टेंस बेसिस है, फाइनाइट ही है, सोचो इतने पैसे मिल जाए कितने हो जाएंगे, 2 करोड़। बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी। क्या क्या खरीदेगी वैशाली, क्या खरीदेगी 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए आपकी, क्या करेगी? मैं तो समझ नहीं आ रहा, 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए क्या करेगी? संभाल कर रखेंगे, FD डालेंगे सर। सर तो सर 2 करोड़ की को बैंक में देके ब्याज में ही सारा महीने का खर्चा चलेगा मैम का। बैंक वाला बच जाएगा लेकर उन्हें। मैं बताऊं सर क्या करेंगे विशाली मैम? क्या करेंगे? न्यूजीलैंड जाएंगे। न्यूजीलैंड जाएंगे, बॉयफ्रेंड लाएंगे, नहीं साथ में फिर मैं भी चली जाऊंगी इनके बैग, गाड़ी लेंगे। हाँ, इसके ब्याज में चले जाए करेंगे फिर तो साल के में न्यूजीलैंड मैम। अच्छा, ब्याज पे तो मैम रिस्क होता है। फिर तो क्या ना मिला है जो ब्याज का अच्छा तो यूज ही कर ले। बैंक को दे देना मैम, इंसान तो लेके भाग जाते हैं। इंसान ही होते हैं, डंगर नहीं होते वहाँ। अच्छा सर, आपके पास तो होंगे इतने? 2 करोड़ बस। नहीं सर, आप कह रहे थे मैं जाऊंगा यहाँ से, कब जाओगे? जल्दी जाओगे मैम, कुछ ज्यादा जल्दी मेरे पास है। एक किले की कीमत हमारी 4.5 लाख है बस। 2 की 80, 2.5 की होगी, 2.5 की होगी 1 करोड़, 2.5 किले 1 करोड़। सर ये तो चलो जमीन का, ये तो आपको 2 करोड़, ये तो आपको पूरा करोड़, 20 हो गए 8 करोड़ की जमीन है मेरे पास। वही कह रहे हैं सर, इतनी कम कैसे है कीमत? GT रोड के पास ज्यादा होती है, जो खेतों की होती है वो कम होती है। अरे सर अब तो हमारे वहाँ तो 1 करोड़ है, 1 करोड़ 2 सर अब तो होगी सर, अब सर अब तो हमारे GT रोड के पास लगते हैं ना, छावनी पड़ेगी सर जी, 1 करोड़ प्लस होगी। तो GT रोड के पास तुम्हारे यहाँ वैशाली और करनाल में 1 करोड़ है पूरा, 1 करोड़ नहीं सर, 1 का है। मैं अपने की बता दूँ, अगर तुम सिटी में देखोगे, सिटी में 10 करोड़ के आसपास है सिटी में, तो 3 करोड़ 4 करोड़ तो बिल्कुल आम हो गया। फिर हमारा तो सिटी उससे हो गया ना, कुछ सर अब तो उसकी इंक्रीज भी तो होगी सर जी, छावनी नहीं बढ़ेगी वहाँ पे, बिकेंगे अब तो। हाँ चलो छोड़ दो, पैसा किसके पास ठहरा है, ना किसी, ना तुम्हारा ना हमारा है। सर फिर बताओ ना कब जाओगे? तो ये भी चले जाना है चंडीगढ़, अभी तो कल चल पड़ तैयार हूँ। नहीं सर मैं नहीं कह रही, मेरे साथ नहीं कह रही, आप ये बोल रहे थे एक बार, मैं चंडीगढ़ नहीं चलना। चुप हो जा, बंद हो जा, मुंह बंद कर। चंडीगढ़ जाने वाले बहुत है मेरे साथ। अब है ये देखो कौन है, P2 Z3। अब P2 Z3 के एलिमेंट लिखो, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके, क्या लिखो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो। मैंने आपको आइडिया दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो, फिर लिखो डायमेंशंस, फिर लिखो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस, ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखो, आपको आइडिया इसका है, ये लिखो।
हाँ जी लिखे, बताओ लिखे, बताओ लिखे। सर लिखे तो है, मेरे को गलत सा लग रहा है। कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट? सर मेरे तो एलिमेंट तो सर 27 आए। 27 आए सर। डायमेंशन 3। कितने है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट? 27 27। क्योंकि कैसे कैसे आएंगे इसमें? इसमें आएंगे a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, सच दैट ai कहां से आएंगे? z3 से। तो पहले a नॉट लेने के 3 तरीके, a1 लेने के 3 तरीके, a2 लेने के 3 तरीके, 27 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, डायमेंशन 3 सर। डायमेंशन कितने हैं? 3। और डिस्टेंस बेसिस सर n 3 है, 3 आएंगे भाई। स्टैंडर्ड बेसिस बनाएंगे 1xx2। और p कितना है? 3। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस कितने आए बताओ? मेरे जैसे 72 आए हैं, पता नहीं क्या गलती है। 72 आए हैं किस? 1872 आ रहा सर। 1872 आ रहे हैं। मैंने क्या बोलते हैं? 1872 आ रहे हैं। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है? यही है सर। हाँ सर, वही करके निकालना है। हाँ, 3 की 2, 3 की 3, 3 की 1, 3 की 3, 3 की 0 बटे में 3 factorial। कैलकुलेट करो, 1872 आएंगे। हाँ गए सर अब तो। ठीक है जी सर। और नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? नंबर ऑफ वेज 27 सिलेक्टिंग 3 एलिमेंट्स, कितने में से? 27 आउट ऑफ 27 में से कितने आएंगे? 27 सी3। करो कैलकुलेट, कितने बने? दो हजार नौ सौ पच्चीस। पक्का? पक्का सर जी। सर 2925। अरे 2900, अरे सर 20925 होता है ये, कमाल कर रहे हो आप। 2925 सर, ऐसे बोलना आपने ही सिखाया सर, फिर आप ऐसे करते हो। अरे धीरू भाई अंबानी, इतना पैसा होगा तेरे पास, काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। बस सर आपकी घी शक्कर सर। रोजी जैसे को मेरे जैसे को असिस्टेंट रख लेना अपना। रोजी घोटाला खूब करेंगे धीरू भाई का, तो घोटाला को नहीं करा। पहले सर ने बता देते हैं उन्होंने। क्या पता क्या। चले भी आगे। यस सर। अपोजी मैम देख लो आपको क्या कह रहे हैं सर। सर कह रहे हैं घोटाला सिर्फ रोजी कर सकती है। और किसी का नाम नहीं लिया। सर तो ना, सर तो पागल है, रहते बोलते रहते। मैंने तो कोई पागल नहीं किया। पागलों को पागल ही मिलते हैं, ये भी पागल है इसका मतलब। नहीं सर, फिर वही लगा लो, फिर आप मेरे को कह रहे हो घोटाला करती हूँ मैं। मैंने कौन सा घोटाला कर दिया? सर आप पागल कब से हो गए? मेरे को बंदर निकाटा, मैं आपको काट लूंगा, देख लो। सर तुम तो लो, इतनी देर से रोजी मैम को समझ नहीं आई थी, ये नीलम मैम तो सब समझ गई ना। इसको मैं दूर खड़ी थी, मैं अभी आई हूँ बोलने, मैं सुन के मेरी बात हो रही है। हमारे वाली ट्यूबलाइट जैसे है। इसको ना कोई बात है 5 मिनट लेट समझ आती है, जैसे ना आप दूर बैठे हो आपके पास आवाज। आपको भी तो परसों 5 मिनट लेट समझ में आई थी। धीरे सर क्या कह रहे हैं, अब आप भी ट्यूबलाइट हुए क्या?
सर बंद कर दिया आपकी सर लिखा तो मैं बंद है आपकी बोलती बंद मैम आगे देख लो ना क्या किया हुआ मैंने हेलो हाँ जी मैम मैम वो कल ना आप कुछ बता रहे थे तो सर कुछ पढ़ा रहे हैं क्या सर गायब हो गए ना अरे मैम आगे कहाँ है मैम पी मैम रुक जाओ जब ये इतने जबरदस्त डायलॉग मारेगी बोलती तो अपने आप बंद हो जाएगी सर मैंने कोई कुछ कहा थोड़ी है मैं थोड़ी कुछ कहती हूँ इस दिन तो बोलती बंद कर दी आज तो सच में बहुत खतरनाक है पंगा क्यों ले हो सर ना ना इससे पंगा लेना बाकी किसी मर्जी से ले लो नहीं लेडीज से पंगा लेना है नहीं किसी से भी आज जोड़ जा करो सर पहले ही ना मैं तो ना नेट की कोचिंग ऑनलाइन ही बंद कर रहा हूँ थोड़े दिनों बाद नहीं सर ऐसे मत करो ये बड़ा बैच तो करा दो लेडीज का बैच करने में तो बात पीएचडी कर रखी है इन्होंने ये आपकी बड़ी मेहर लेते हैं धीरज सर कुछ खिलाया पिलाया क्या इनको बचपन से खिलाते बचपन से खिलाते आ रहे हैं सर हमने सर का चेला बन के ही रहना है नीलम मैडम मेरे को याद कराना क्लास बंद होएगी ना तो मुझे कुछ पूछना है अगर रोजी चेली नहीं बनेगी चेला तो दीज बनाना पड़ेगा फिर चलो भाई आगे चलते हैं अब बात करते हैं हम सब स्पेसिस की सब स्पेसिस के लिए एक रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 2 क्या रिजल्ट है लेट वी एन जेड पी बी ए फाइनाइट वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन इक्वल टू एन ओवर द फील्ड जेड पी देन द टोटल नंबर ऑफ देन द टोटल नंबर ऑफ सबस्पेसेस देखो यहां सबस्पेसेस है वहां थे डिस्टिंक्ट बेसिस थे ऑफ डायमेंशन आर भाई सबस्पेस का डायमेंशन कितना होना चाहिए आर होना चाहिए इज इक्वल टू पी की एन वही तरीका है फिर पी की एक कम पावर एन माइनस वन करते रहेंगे P की n से लेके पी एन माइनस टू वहां तो स्टॉप होता था कहां पर P की जीरो पर लेकिन यहां स्टॉप कहां पर होगा सेम P की जीरो पर फिर P आएगा पी एन आएगा और क्या आएगा P की जीरो आएगा लेकिन नीचे स्टॉप कहां होगा कहां से स्टार्ट करेंगे प्यार से स्टार्ट करो पी आर से एक पावर कम करते हुए यहां n फैक्टोरियल नहीं आएगा फिर प्यार में से कितनी जाएगी प्यार माइनस टू करते रहेंगे फिर प्यार में से प्यार खत्म हो गया पी की जीरो ठीक है तो ये फॉर्मूला है अपर पार्ट तो वही है लवर चेंज हो गया लवर में क्या चेंज हुआ प्यार से स्टार्ट करके हेलो सर बिना प्यार खत्म हाँ लास्ट टू टर्म जो लिखे हैं सर पी के पावर एन माइनस पी डॉट डॉट दिए हैं क्या पी की जीरो पी की जीरो ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है ये डॉट डॉट प्रोडक्ट हेलो हाँ सर ये जब आएगा ना जब हमारे पास डायमेंशन आर होंगे कुछ समथिंग है ना हाँ डायमेंशन आर के पूछेगा ना वो सब स्पेस मतलब एक डायमेंशन के पूछेगा दो डायमेंशन के पूछेगा जीरो डायमेंशन के पूछेगा हाँ तो किसी ये पूछे तभी यूज करेंगे सब सर नहीं तो अदरवाइज वही यूज होगा ना हाँ वो तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस के लिए था पिछले वाला हाँ ठीक है क्या है सबस्पेसिस कितने बनेंगे उसके लिए जी 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 ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का रिजल्ट है ना सर
पीसी में जोड़ लो, लीनियर में जोड़ लो, सेट में जोड़ लो, अति कम है। ठीक है जी, चलूं आगे। यस सर। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल वही था, वी जेट टू स्क्वेयर जेट टू। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, चार, क्योंकि दिखते हैं इसमें, दिखते हैं, बाकी में ज्यादा है दिखते नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी में कितने हैं, चार। डायमेंशन ऑफ वी कितना है, कितना डायमेंशन ऑफ वी, टू सर। ठीक है, तो मैंने बताने हैं नंबर ऑफ सब स्पेसेस ऑफ वी ऑफ जीरो डायमेंशनल। जीरो डायमेंशनल का तो एक ही बनता है, कौन होता है, जीरो, ट्रिविली, ये है जीरो, जीरो है ये है, ट्रिविल सबस्पेस है ये नाम है इसका। फिर सर विकिपीडिया पे ना सर वी को भी ट्रिविल दे रखा है सर, उसको ना दो तीन बुक्स में चेक करना पड़ेगा जो फॉरनर ऑथर की है। सर मैंने ना कई बुक्स में, दो बुक में चेक कर लिया सर, उसमें ना वी को और उसको दोनों को ट्रिविल बोलते हैं। अच्छा, ट्रिविल माना हुआ है। हाँ जी। ओके, तो नंबर ऑफ सब स्पेसिस ऑफ वी ऑफ वन डायमेंशनल, तो वन डायमेंशनल के कितने बनेंगे बताओ, प्रैक्टिकली बताओ कितने बनेंगे, प्रैक्टिकली बिना फार्मूला लगाए बताओ कितने बनेंगे, कितने बनेंगे बिना फार्मूला लगाए। वन डायमेंशन का तो सर, सर तीन बनेंगे सर, तीन बनेंगे सर, नहीं तीन बनेंगे, तीन वन डायमेंशनल के कितने बनेंगे, तीन, जीरो के साथ एक एलिमेंट ले लेंगे। हाँ, मतलब कौन कौन से बनेंगे, नेमली पहला जीरो जीरो के साथ जीरो वन, जीरो वन, फिर जीरो जीरो के साथ जीरो वन, फिर जीरो जीरो के साथ वन वन, वन तीन बनेंगे। क्या ये सबसेट हैं इसके, हैं सब स्पेस होने के लिए क्या कंडीशन है, अंडर एडिशन क्लोज होना चाहिए क्या है सारे, हैं अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होना चाहिए क्या है, क्योंकि फील्ड आपका कौन है, जेट टू है, तीन बनेंगे। अब फार्मूला से चेक करो, जब फार्मूला लगाएंगे एन कितना है, कितना एन, एन सर टू, टू 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 टू, कितना एन, टू होगा सर, सर डायमेंशन टू है ना, डायमेंशन टू है ना सर वी की, और पी भी टू है, डायमेंशन टू है, और पी कितना है, पी भी टू है, पी भी टू, आर कितना है, वन है, पहले तो चेक करो वन डायमेंशनल के फॉर्मूला क्या था, पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन, पी की पावर एन मतलब टू की पावर टू माइनस टू की पावर वन, टू की टू माइनस टू की जीरो, बटे में पी की पावर आर टू की पावर वन माइनस टू की जीरो, कितने बन गए, चार में से दो गया, दो चार में से एक गया तीन, तीन और बटे में दो करोड़ के छह बन गए, छह कैसे बन गए, कुछ तो गड़बड़ है। नीचे होता है पी की आर माइनस पी की जीरो तक चलता है। हेलो सर।
सर वन डायमेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। सिंगलटन वन जीरो पर भी नन जीरो जो ले लेंगे सर, तीनों जीरो जीरो को छोड़ के वो भी बन जाएगा वन डायमेंशन। वो कैसे बन जाएगा, आइडेंटिटी कहाँ है उसमें, जीरो तो है ही नहीं किसी में अगर सिंगल सिंगल के लेगा। सर सर वन डायमेंशन का मतलब बता दो। डायमेंशन का मतलब नहीं पता अभी तक, कितने एल आई होते हैं। वन डायमेंशन सर, वन डायमेंशनल का मतलब है जिनका डायमेंशन एक आए, मतलब जिसके बेसिस में एक एलिमेंट आए। सर आपने स्पेस है, ये सब स्पेस है, इसके बेसिस में कितने एलिमेंट आए, एक है सर, एक का दो है ना सर, इसमें तो दो है, सब स्पेस में दो एलिमेंट है, लेकिन इसके बेसिस में क्या ये बेसिस बन जाएगा ना, बेसिस कौन बनेगा, सिंगलटन वन जीरो फॉर्मूला एल आई जनरेटिंग है, नहीं समझे। और सर यहाँ पे जीरो डायमेंशन बोला लेकिन उसके बेसिस में कुछ भी नहीं होगा, जीरो डायमेंशन का बेसिस होता ही नहीं। अब वहाँ पे लिखा ना सर आपने ऊपर, कहाँ लिखा है ऊपर लिखा ना सर, नंबर ऑफ सबस्पेसेस ऑफ वी ऑफ जीरो डायमेंशन, उसका क्या मतलब। हाँ उस सबस्पेस का नाम है जीरो जीरो, तो जीरो डायमेंशन तो हो नहीं सकता ना, जीरो जीरो सबस्पेस है, ये सब स्पेस का नाम है, जो नाम लिख रहा हूं मैं सब स्पेस का ही, ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, वन डायमेंशन के कितने बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं सर, फोर वन डायमेंशन सर, आपने जीरो का वन डायमेंशन कैसे लिखा फिर, वो तो स्पेस का नाम हो गया, तो फिर ये सब स्पेस के नाम है, ये तीन सब स्पेस बन रहे हैं, एक हाँ। तो बन रहा है डब्लू वन, एक बन रहा है डब्लू टू, एक बन रहा है डब्लू थ्री। मान लो W1 के डायमेंशन निकालना चाहते हैं, कैसे निकालोगे, क्या सिंगलटन जीरो बनेगा इसका बेस, ना सिंगलटन वन जीरो बन जाएगा। हाँ तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसलिए कितने डायमेंशन का है ये, वन डायमेंशन का है W1। सर हाँ इसको हम लोग फोर सी टू से नहीं कर सकते, सर अपने फॉर्मूला सी टू से सिक्स आएगा, डब्लू फोर भी लेना पड़ेगा, कौन लेना पड़ेगा, जीरो वन वन वन। हेलो सर, जीरो वन 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 और वन जीरो वन सर। हाँ हेलो सर, सर फॉर्मूला गलत है सर, पी एन पी आर माइनस वन आएगा सर ऊपर, जहां हमने एन माइनस वन एन माइनस टू लिखा, आर माइनस वन आर माइनस टू ऊपर सर, ना ना गलत है सर, वही आएगा वन जीरो और वन वन को भी तो लेके सब स्पेस बना सकते हैं, किसको वन जीरो नहीं लेकिन डायमेंशन जीरो जीरो भी बनना था, आइडेंटिटी एलिमेंट उसके नहीं बनेगा। क्या कह रही है, वन जीरो नहीं हो पाएगा सर, डायमेंशन टू हो जा रहा है, वन जीरो और वन वन को ले रहे हैं तो वन जीरो वन वन टू हो जाएगा ना फिर तो, डायमेंशन टू हो जाएगा। लेकिन सर आंसर वैसे अगर देखें सब स्पेसेस के लिए, सर एक बात बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, टू ही होने चाहिए कि थ्री भी हो सकते हैं, सब स्पेस हो सकते हैं एलिमेंट, तो फिर तो बेसिस में एक होना चाहिए ना सर जी। हाँ आपने फॉर्मूला लिखवाया है ना ऊपर, लिखाया पी एन माइनस वन लिखवाया है सर, पी एन पी पी एन माइनस पी आर माइनस वन आएगा सर। हाँ सर उसमें वर्कबुक में पी एन माइनस के पी आर माइनस के वन है सर, वो पी आर माइनस वन है, आर माइनस सर कर लो फिर फॉर्मूले तो ठीक कर लो, फार्मूला ये अभी फार्मूला ठीक करो, ऊपर तो पी एन माइनस वन चलता रहेगा, पी एन माइनस पी आर आएगा, आर माइनस वन आएगा यहाँ, यस सर स्टार्टिंग से, ओके ओके आर माइनस वन आएगा ऊपर तो सर, ये पी एन में से पी जीरो तक आएगा, नीचे पी आर में से, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर यहाँ पी आर से लेके, ठीक है पी आर माइनस वन, फिर
पी आर से लेके पी की जीरो, ठीक कर लो इसको फार्मूले में। कर लिया कैलकुलेट अब? यस सर। अब कितने आएंगे? तीन ही आएंगे, सही आएंगे। ठीक है, फिर किसके निकालने हैं? टू डायमेंशन के, टू डायमेंशन के निकालो। टू डायमेंशनल के आते हैं सर, ब्रेक नहीं होगा? ब्रेक कोई नहीं, अब तो क्लास ही खत्म होती है। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ सबस्पेसेस ऑफ डायमेंशन कितने? टू। मतलब आर कितना है? टू है। एन कितना था? टू था। पी कितना था? टू था। निकाल लो, वही फार्मूला लगाना, पी की एन माइनस पी की आर माइनस वन वाला, पी की एन पी की आर माइनस टू। कहाँ पे एंडिंग होगी? पी की एन माइनस पी की जीरो। वन आएगा सर, ये तो वन आएगा ऊपर भी सर, वी इटसेल्फ आ जाएगा सर। क्या? वी इटसेल्फ आ जाएगा सर, वन आ जाएगा सर, क्योंकि टू डायमेंशन का वी आर टू का ये है तो जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन। हाँ, एक तो जीरो जीरो बनेगा, एक वन जीरो बनेगा, एक जीरो वन बनेगा, एक तो ये बन गया। क्या और भी बनेगा सर? ये तो गलत रहेगा सर, फिर मैंने मुझे वन वन भी डालना पड़ेगा, वन भी डालना पड़ेगा, वो खुद ही खुद का तो वी हो जाएगा, ये खुद वी हो जाएगा, वी इटसेल्फ एक सर। ये यहाँ पे आ गया ना सबस्पेस में, वी इटसेल्फ। क्या वो जिसमें डाउट आ रहा है इम्प्रॉपर वाला? हाँ ठीक है, तो कितने बन गए? ये एक बन गया, कैलकुलेट कर लोगे ना सब कुछ? यस सर। क्योंकि सब स्पेस क्यों है? क्योंकि ये उसका सबसेट है और खुद वेक्टर स्पेस है और टू डायमेंशन का है, तो उसी के बराबर हो जाएगा ना वी के ही। तो एक करो आप करो पी टू जेड क्यूब के नंबर ऑफ सब स्पेसेस बताओ ऑफ वन डायमेंशनल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर बताओ टू डायमेंशनल, ठीक है, ऐसे से बताते जाओ, पहले वन डायमेंशनल फिर टू डायमेंशनल, अगर कोई थ्री डायमेंशनल तो थ्री डायमेंशनल बताओ ऐसे।
हाँ जी निकल गए। बताओ वन डायमेंशन के कितने निकले? वन डायमेंशन के कितने निकले? वन डायमेंशन के बोल नहीं, मुंह में गूंगे हो गए। वन डायमेंशन के वन निकले, थर्टीन निकले सर। और जीरो डायमेंशन के? जीरो। जीरो डायमेंशन के एक, वन के तेरह, दो के थर्टीन, तीन के निकाल लेनी। टोटल ट्वेंटी एट सर। प्रॉपर प्रॉपर कितने हैं? और इम्प्रॉपर? टू। ठीक है यस सर। और इसी के साथ आपका फिफ्थ चैप्टर दी एंड। हाँ जी सर, डायरेक्टली हम टोटल सबस्पेसिस काउंट कर सकते हैं क्या? हम डायरेक्टली टोटल सबस्पेसिस काउंट कर सकते हैं जैसे तो डायमेंशन वाइज के ना? डायमेंशन वाइज काउंट ना होंगे, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता ना? डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हर एक डायमेंशन का निकाल के उनको एड कर दो। ठीक है, तो इसी के साथ आपका फिफ्थ चैप्टर खत्म। आप फिफ्थ चैप्टर के पहले क्वेश्चन करो, फिर ट्रू फॉल्स करो, फिर एससीक्यू करो, फिर एमसीक्यू करो। इतने में सिक्स चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। इस बार वेडनेसडे को जो आपके डाउट लिए जाएंगे वो फिफ्थ चैप्टर के लिए जाएंगे। तो फिफ्थ चैप्टर की तो एक्सरसाइज में से गो थ्रू हो जाओ, कम ही प्रॉब्लम आएंगे एक्सरसाइजों में। तो मेन प्रॉब्लम आएगी ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स में से हो जाओ। ठीक है, संडे को होगा ना डाउट्स? अब तो आपको समय मिल जाता है क्योंकि क्लास कब टाइम की लगती है? दो ही घंटे क्लास लगती है तो टाइम अब फुल मिल जाता है आप लोगों को। हाँ यस सर। हाँ तो अब साथ साथ करते रहो सर। संडे डाउट क्लास कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेडनेसडे अगर दो टाइम भी लग जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी दिन आप ब्रेक के बाद भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लगाना चाहो, क्योंकि उससे फायदा आपको क्या है कि साथ साथ आपका सिलेबस होता रहेगा। कल ब्रेक के बाद लगा लो है ना, मतलब 8 बजे के बाद ये डाउट क्लास कल सर कर लेंगे सर। पहले करें तो क्या, तभी तो लगाएंगे। पहले कर लो तुम, पहले एक्सरसाइज कल कर लेंगे सर। हाँ बाकी फिर बाद में। हाँ कल छुट्टी है सर। छुट्टी क्यों है कल? क्या है? मैं सिक्स चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा फिर। ओके सर। हाँ सर ये क्या लिखा है बता दीजिए एक बार। ये डायमेंशन वन के डायमेंशन जीरो के सब स्पेस लिखे हैं इसके, निकालने आ गए ना सबको? जीरो डायमेंशन का तो यूनिक ही बनता है, ट्रिवियल। वन का तीन बना, वन का थर्टीन, थर्टीन अच्छा थर्टीन। आर कितना है? आर आर वन है। एन कितना है? कितना है थ्री सर। डायमेंशन थ्री, थ्री कितना है? थ्री। फार्मूले में रखो पी की एन, थ्री की थ्री माइनस थ्री की R माइनस वन। आर माइनस वन का मतलब क्या है? वन माइनस वन, स्टॉप हो जाएगा ना, जीरो बन गया, समझ गए? थ्री की आर टू आया है ना सर। थ्री की आर कितना होता है? थ्री की आर थ्री माइनस थ्री की वन माइनस वन, क्योंकि जीरो बन गया स्टॉप हो जाएगा, मतलब सताइस माइनस एक और यहाँ तीन माइनस
दो तेरह 26 बाय 2 13 आएंगे। कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए ये। यस सर, मुझे लगा पहले वाले क्वेश्चन का लिखा है इसलिए कंफ्यूज हो गई। ठीक है सर, फिर टू डायमेंशन के निकाल लो, आर की जगह टू पुट कर देना, फिर थ्री डायमेंशन के निकाल की जगह थ्री पुट कर देना, थ्री डायमेंशन का खुद वी आ जाएगा। ठीक है सर, प्रॉपर टू है, प्रॉपर टू है ये और ये इम्प्रॉपर जो बीच के हैं 36 हैं। इम्प्रॉपर इनको नहीं बोलते, हाँ इम्प्रॉपर टू है, उल्टा बोल गए, प्रॉपर कितने हैं 26 हैं। प्रॉपर सबस्पेसीज हैं 26, इम्प्रॉपर है 2, कुल है 28। ठीक है, तो अब आप है जल्दी से जल्दी 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर दीजिए, नहीं तो आगे ना आप 7वें चैप्टर पहुंच गए ना फिर पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि 7 चैप्टर है लगभग आपका हाफ सिलेबस हो चुका है लीनियर का, तो आगे के जो चैप्टर है बिल्कुल टोटली डिफरेंट आ जाएंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से, तो 6ठे चैप्टर तक आप है अच्छे से पकड़ लो इस सिलेबस को। मजा आ रहा होगा लीनियर में अभी तक, या डिफिकल्टी आ रही है? मजा आ रहा है सर, फोर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन में डाउट है, बाकी तो सही हो रहा है। फोर के डाउट ले तो लिए थे ये है सर, दो तीन क्वेश्चन बाद सुनो आप, फोर के डाउट ले लिए थे, ले तो लिए थे। यस सर, तो मोर की आवाज नहीं सुनी आपने क्या? जी अरे मैं बोल रहा था मोर की आवाज आई। अच्छा चलो करें फिनिश क्लास, ओके जी गुड नाइट, करो एंजॉय, घूमना किसी से घूमाओ फिरना फिर आओ, मैं घूम के आता हूँ। गुड नाइट सर, गुड नाइट। क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे थे? जेडी टूर निकाल लिया लंबा।